आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो है गुड़ से बनी हुई और सर्दियों में बहुत ही लाभकारी है। जैसे हमें सर्दियों में कई बार खांसी, जुकाम, गले में दर्द या गले में खराश रहती है, तो ये गुड़ की बनी हुई गोली अगर आप किसी भी टाइम ले सकते हैं तो इससे आपको बहुत ही आराम भी मिलेगा और साथ ही लाभ होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपी चैनल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। अब हमने यहाँ पर 100 ग्राम देसी गुड़ लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। किसी भी कपड़े में इसे रखें और ऊपर से बेलन से इसे तोड़ सकते हैं या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। इससे ये जल्दी मेल्ट हो जाता है और इवनली मेल्ट होता है। इसमें डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने तक पका लेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ मेल्ट होने तक ही हमें इसे गर्म करना है। और धीरे धीरे ये गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसे चलाते रहेंगे और ये गुड़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर या फिर जिसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं या जिसे सुड भी कहते हैं डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच छोटी इलायची या हरी इलायची का पाउडर और साथ ही डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर। ये पाउडर आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं, चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी या फिर 1/8 टीस्पून मोटी इलायची का पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम इसे सिर्फ गुड़ के मेल्ट होने तक ही पकाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा पका लेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसे बोर्ड पर या फिर इसे नीचे किचन के स्लैब पर उतार लेंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि गुड़ की टेंडेंसी होती है, क्योंकि जब वो ठंडा होता जाएगा वो धीरे धीरे सेट होता जाएगा। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और ये अभी काफ़ी गर्म है, लेकिन धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाएगा ये थोड़ा थोड़ा डो जैसा तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले से ये गाढ़ा हो गया है। और ये देखिए, अब हम इसमें से छोटी सी एक बॉल बना के देखेंगे, इजीली बन रही है। इट मीन्स जो ये जो मिक्सचर है थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें से छोटे छोटे पहले रफली पोर्शन निकाल लेंगे जिसके हम बाद में प्रॉपर शेप दे देंगे। और ये हमने इसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया है और ये जो मिक्सचर है अभी हल्का गर्म है तभी हम इसे अच्छे से शेप दे पाएंगे। बिल्कुल ठंडा होने पर आप इसे शेप नहीं दे पाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इन्हें छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे इस तरह से। और इन गोलियों को आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। और ये देखिए, हमने सारी ये गोलियाँ तैयार कर ली हैं और आप इन्हें छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और साथ ही बड़े तो ले ही सकते हैं। आप इन्हें एयरटाइट जार में डालकर डाइनिंग पर रख दीजिए। खाना खाने के बाद जब भी कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप इसे ज़रूर ले लें। और ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही इजीली आराम से टूट रही हैं, सॉफ्ट है, तो कोई भी इसे आराम से खा सकता है। जब आप इन बॉल्स को हल्के गर्म मिक्सचर से बनाएंगे तो हो सकता है कि इनकी शेप इतनी परफेक्ट ना आए, लेकिन जब भी यही बॉल्स ठंडी हो जाएंगी तब आप इन्हें दोबारा से इस तरह से हथेली के बीच घुमाते हुए प्रॉपर शेप या फिर प्रॉपर राउंड शेप दे सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई रेसिपीज़ के लिए।